पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 21 तारीख को मुरादाबाद शहर में चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर एसटी अस्थाना आज मुरादाबाद के लाइन पार में जनसंपर्क करने के लिए निकले और लोगों ने उनका फूल माला डालकर स्वागत किया। तो वहीं महागठबंधन मीडिया से मुखातिब होने को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है बोलने को मेरे पास और अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। जब मीडिया ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं से वार्ता की तो उन्होंने कहा कि इस बार महागठबंधन की सरकार यूपी में आने वाली है, लेकिन जब मीडिया ने महिलाओं पर तंज कसने वाले प्रत्याशी आजम खान के सवाल पर जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि खान साहब को ऐसा नहीं बोलते, लेकिन आपको बता दें अपने विवादित बयानों के चलते रामपुर प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन किसी ने भी इस बात का सही जवाब नहीं दिया। अब देखना यह होगा कि जनता किसको अपना सरोकार मानती है। लाइन पर मझोला में डॉक्टर एसटी साहब जो समाजवादी के प्रत्याशी हैं, उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है, उनका सम्मान किया है, फूल मालाओं से उनको लादा है और उनको ढेर सारा बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने ढेर सारे शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया है। क्योंकि देखिए पुरानी कहावत है, बच्चे के पैर जो है पालने में नजर आते हैं। डॉक्टर साहब की सीट जीताई है क्योंकि डॉक्टर साहब एक नेक इंसान है। आज की तारीख में आप देखते होंगे मुरादाबाद और शहरों में डॉक्टर का जो फीस होती है 600-700-800 होती है, लेकिन ये डॉक्टर साहब का पर्चा आज भी 30 रुपए का बनता है। ये बहुत बड़ी बात है, गरीबों की मदद करते हैं और अंदरूनी मुरादाबाद के बहुत ही लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और 100% ये सीट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, ये गठबंधन जो है, ये सीट जीतेगी और आने वाले समय में देखना महापरिवर्तन होगा। देश का माहौल किसी छुपा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने देश का कितना सत्यानाश कर दिया है, ये तो जब नरेंद्र मोदी का जहाज डूबेगा 23 मई की तो पता चलेगा कि इन्होंने देश में कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। अभी तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्वार्थ की पट्टी बांधे हुए अंधे भक्त हुए पड़े हैं और आने वाले समय में सबको पता चल जाएगा कि हमारे देश का शुभचिंतक कौन है और गरीबों का रहनुमा कौन है, गरीबों का भगवान कौन है, उनको कौन मानता है। इस समय सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों का, किसानों का और दलितों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। महिलाओं का हम भी सम्मान करते हैं, आजम खान साहब भी बहुत अच्छे इंसान है, मैं व्यक्तिगत उनसे 2-3 बार मिला हूँ और वो बहुत ही अच्छे इंसान है। जब आप किसी संबंध बनाएंगे तब आपको पता चलता है कि इंसान क्या है। नहीं है, मैंने बयान देखा नहीं है, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ आपको कि मैंने जो उनको देखा वो महिला को बहुत सम्मान